हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ होम विद काजोल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं खट्टी मीठी आम की लौंजी, जिसे हम एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और हम इसे किसी भी पराठे, पूड़ी या फिर हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पे 3 कच्चे आम, जिनको हमें छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक कढ़ाई में डाल रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने यूज किया सरसों का तेल। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों के दाने और 1 चम्मच कलौंजी। अब यहाँ पे डाला 1/2 चम्मच मेथी दाने। इसको 1 मिनट तक हम पकने देते हैं। ये मसाले हम पक गए हैं। अब इस पर डाल रहे हैं हम आम की पीसेज जो हमने कट करके रखी हुई थी। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1.5 कप पानी। एक चम्मच डाल रहे हैं काश्मीरी मिर्च कलर के लिए और 1/2 चम्मच नमक। नमक डालने से आम हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे जल्दी। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है। और ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आम हमारे चेक करते हैं सॉफ्ट हुए या नहीं। ये देखिए, आम हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इस पर डालेंगे मसाले। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे डाल रहे हैं 1/2 चम्मच काला नमक पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च। यहाँ पे मैंने तीखी मिर्च ली है थोड़ा चटपटा बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/2 कप गुड़ और इस सबको मिक्स कर देंगे और इसे 2 मिनट तक हम पकाएंगे। दो मिनट हो गए हैं। ये देखिए, हमारी आम की लौंजी पक गई है। ये देखिए कितने गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल पर सर्व करते हैं। ये हमारी स्वादिष्ट आम की लौंजी बनकर तैयार हो गई है। हम इसे 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और हम इसे पूरी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आई होप आपको ये मेरे आम की लौंजी की रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।